कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए अशोक गहलोत ने राजस्थान के सीएम पद छोड़ने के संकेत दिए। अब वह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए 24 सितंबर को नामांकन पेश करेंगे। इसी के साथ अब सीएम पेश को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते तो सवाल उठने लगा कि उनकी जगह सीएम कौन बनेगा, जो पार्टी के अभिनेता और आलाकमान को संतुष्ट कर सके। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले काफी समय से सीएम बनना चाहते हैं। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस उस नेता को सीएम बनाना चाहेगी जिसके नाम पर सभी नेताओं की सहमति हो। सचिन पायलट गुट पिछले काफी समय से उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि सीएम अशोक गहलोत अपने प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को किसी वाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत की पसंद सीपी जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा है, जबकि प्रदेश के कुछ नेता चाहते हैं कि सचिन पायलट ही सीएम बने। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए सीएम के नाम का चयन करना मुश्किल काम है। आलाकमान उसी को सीएम बनाना चाहेगा जिसके नाम पर पार्टी में एकजुटता हो। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद पर फैसला कांग्रेस ने ले लिया और इस फैसले को हर किसी को मानना होगा। इससे साफ है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। अब ये तो आने वाले